मेरे खाली हालात बड़े खराब और अफसर हो चुके थे और बड़े धचके मुझे लगे थे। तो ये इस वजह से फिर मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, मैं बेकार था उसके बारे में और पैसे भी नहीं थे, तो मैंने आवा राजी थे इसके डायरेक्टर पीटीवी के जी, तो उनसे मैंने कहा कि आवा साहब मैं दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। ये दोबारा जो ब्लैक एंड व्हाइट आया जी 1900, यानी पहला जो था वो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, ये रिकॉर्डिंग वाले प्रोग्राम से शुरू हुए, उसी में ये सारे प्रोग्राम हुए और ये बहुत ही अच्छे प्रोग्राम हुए। उसमें अभी तक लोग ब्लैक एंड व्हाइट जिन्होंने देखा हुआ उनको वो याद है, तो ये उन्होंने कहा कि हाँ तुम आओ और करो, तो फिर वो मैंने शुरू किया। वो काफ़ी अच्छे तक भी उसमें ये सारे ये तकलीफ थे उसमें, तो यही मैं कहता हूँ कि ये कुछ कुदरत की तरफ से मेरे लिए सहारा भी था ये इमोशनली, क्योंकि जब लोग देखते थे तो वाह करते थे और एक इसका एक सुकून और इसकी एक वो इसको कहते हैं कुदरत से मुझे ठारस दिल को जो खुशी होती है जी, वो भी तो एक चीज़ होती है अचीवमेंट अचीवमेंट। तो वो और फिर पैसे भी मिलते थे, जो भी बुरे बचे पैसे लेकिन वो आपके मिलते थे, उसके गुजारा भी हो सकता था। और वो फिर वो इतना मकबूल हो गया, इतना मकबूल हो गया कि मैंने कराची में आके ड्रामा किया तो 72,000 की उस जमाने में टिकटें भी की, उससे मैंने जमीन खरीदी उससे, जिस पर मैंने फिर बाद में मकान बन पाया। तो ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कुदरत ने कहते हैं कि हमें थाम लिया, तो ऐसा हो सकता है मैं इसमें खुदकुशी भी कर सकता, ऐसे चेंजेस आते हैं इंसान की जिंदगी में, ऐसी कोई बईद बात नहीं। हमारे लिए बईद होती है कि यार उसने खुदकुशी कर दी, ऐसा भी क्या हो गया था, जिंदगी ऐसी चीज़ है, वो चीज़ है, हम हालात बातें बनाते हैं इसको, लेकिन क्या होता है ये तो मुझे उस क्राइसिस से गुजरने के बाद आपको पता चलता है। तो यही मैं कहता हूँ कि कुदरत ने मुझे थाम लिया और ये सब चीज़ें ऐसे ही आदर फादर होंगी, ये मुझे मेरा तर्जिया अपने बारे में और अपने काम के बारे में।